आपको पता है कि आधार सेंटर खोलने के लिए हमारे पास चाहिए सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट, तभी जाके हम एक नया आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं और वहां पे नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं, बच्चे का आधार कार्ड भी बना सकते हैं, आधार कार्ड में अपडेट का भी काम कर सकते हैं। मतलब ये आधार कार्ड के जितने भी काम होते हैं वो सभी काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आधार कार्ड का काम करना चाहते हैं लेकिन अपडेट का काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑपरेटर आईडी मिल जाएगी जहां पे अपडेट का सारा काम कर सकते हैं, जैसे कि नाम अपडेट कर सकते हैं, जेंडर अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको यहाँ पे ईमेल आईडी अपडेट करने का ऑप्शन मिलता है, फोटो चेंज कर सकते हैं और आईडी स्कैन चेंज कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट चेंज कर सकते हैं और उसके लिए आपके पास एक मंत्रा या मर्को का कोई भी एक डिवाइस होना चाहिए जो हमारे पास है। अगर ये सभी डिवाइस है तो यहाँ से अपडेट का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बड़ा मशीन लेना होगा, जब आपको नया आधार कार्ड बनाना होगा, बच्चे का आधार कार्ड बनाना होगा, बड़े का आधार कार्ड बनाना होगा, तो उसके लिए एक फिंगरप्रिंट बड़ी वाली आपको लेनी पड़ती है, ठीक है। फिंगरप्रिंट मशीन अगर आप बड़ी वाली लेते हैं तभी ये सभी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मली जैसे अपडेट का काम ऑपरेटर आईडी लेकर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक मंत्रा या मर्को का कोई भी फिंगरप्रिंट मशीन होना चाहिए, तभी जाके आप अपडेट वाली काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको आज बताते हैं कि अगर आपको अपडेट की आईडी चाहिए तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आपको अपडेट वाली आईडी देती है, लेकिन आपको अगर अपडेट की आईडी चाहिए जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, उन सभी कंपनियां से अगर आपको चाहिए कि हमें यहाँ पे एक आधार ऑपरेटर की आईडी चाहिए तो अब आप ऑपरेटर की आईडी ले सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको गूगल पे आना है। इसके लिए आपको यहाँ पे आप मोबाइल पे अपने आ जाना है, मोबाइल या लैपटॉप डेस्कटॉप किसी से भी ये काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे सबसे पहले हम गूगल पे आ गए। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है आधार डैशबोर्ड, ठीक है। जैसे ही आधार डैशबोर्ड आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा आधार डैशबोर्ड UIDAI, ठीक है। मतलब यहाँ पे आधार में इनरोलमेंट का काम कर सकते हैं और अपडेट का भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी एजेंसी जो है वो जुड़ी हुई है जहां से अपडेट का काम आप ले सकते हैं, आधार का काम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ये आधार डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे ही हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इनरोलमेंट का काम हमें यहाँ पे दिख जाता है कि यहाँ पे 138 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बन चुका है। अब यहाँ पे अपडेट का दे रहा है तो यहाँ पे 78 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड अपडेट हो चुका है। ऑथराइजेशन की बात करें तो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का यहाँ पे ऑथराइजेशन भी थंब इम्प्रेशन यहाँ पे हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है EKYC, ठीक है। अब ये सभी का तो काम अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पे अपडेट का काम चाहिए तो यहाँ पे आप अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दे रहा है कि अपडेट में कितना अपडेट हुआ है, ये सभी कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे अपडेट का नहीं, यहाँ पे हमें इनरोलमेंट वाला जो सेक्शन है यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चार ऑप्शन तीन ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे तीनों ऑप्शन में आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टेट वाइज मिलता है, मतलब आपका इसमें अगर स्टेट है तभी आप इस आईडी को ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको वो कंपनी आईडी देगी लेकिन आपका इस स्टेट में आपका नाम है तो, ठीक है। मतलब आपका जो स्टेट है इसमें है तो, जैसे कि MP है, UP है, बिहार है, यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं सिक्किम है, चंडीगढ़ है और उसके बाद पंजाब है और भी बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें यहाँ पे लेना है मतलब एजेंसी से डायरेक्ट आईडी, तो हमें यहाँ पे बाय एनरोलमेंट एजेंसी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार जनरेशन प्रोग्रेस इन मतलब प्रोसेस इन मतलब एजेंसी, ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी एजेंसी जो है वो जुड़ी हुई है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे चाहिए, जैसे कि मतलब SBI कोई बैंकिंग आईडी से भी आपको देखते होंगे, बैंक में भी CA मतलब आधार सेंटर खुला होता है। यहाँ पे आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भी आधार सेंटर खोलते हैं, उसके बाद इलाहाबाद में भी आधार सेंटर आपने देखा होगा, तो ये तो आपको बैंक से मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए जैसे कि किसी कंपनी से, नॉर्मली किसी भी कंपनी से चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि UID के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, UID.government.in और आधार डैशबोर्ड पे हम आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद यहाँ पे एजेंसी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि करवी डाटा मैनेजमेंट हो गया, स्वाति स्मार्ट टेक लिमिटेड हो गया, तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड हो गया और उसके बाद यहाँ पे एग्ली सॉफ्टवेयर लिमिटेड हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया कंप्यूटर और टेक्नो यहाँ पे दिया गया है, तो मतलब मान के चलिए कि हमें यहाँ पे चाहिए करवी डाटा मैनेजमेंट, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे जुड़ी हुई है जिससे हम आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे करवी डाटा मैनेजमेंट से अगर आधार सेवा केंद्र लेना होगा तो हम यहाँ पे गूगल पे जाएंगे। और ऐसी एक ही कंपनी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिससे हम आधार सेवा केंद्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके यहाँ पे सामने लगभग मतलब 200 से 300 यहाँ पे कंपनियां आपको शो हो रही है, ठीक है। अगर मान के चलते हैं कि हमें यहाँ पे कोई एक कंपनी से आधार सेवा केंद्र खोलना है, जैसे कि यहाँ पे डाटा मतलब करवी डाटा मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे हमें गूगल पे सर्च करके जाके जाना है और यहाँ पे करवी डाटा मैनेजमेंट KARVY, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे ही हम इतना सर्च करेंगे तो यहाँ पे करवी डाटा मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड आ जाएगी। यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, जो ये मतलब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रही होगी, और यहाँ पे जो ऑप्शन देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको करवी डाटा मैनेजमेंट सर्विस है और यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, थोड़ा देर हमें यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे करवी डाटा मैनेजमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है। उसके बाद आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विस का ऑप्शन आता है। अब ये जो ऑप्शन आता है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर आवर सर्विस का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे किसी में भी एक पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विस पे ही क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो थोड़ा देर हमें यहाँ पे वेट करना है। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे जहाँ पे आपको सर्विस वी ऑफर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मतलब आपको आधार रिलेटेड सर्विस का देखने को मिलेगा। ठीक है, आधार रिलेटेड सर्विस में मतलब आपको आधार के जितने भी काम होते हैं वो सभी काम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि नया आधार कार्ड बनाना या आधार कार्ड में अपडेट करना। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया है आधार ऑपरेटर आईडी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर यहाँ पे सर्विस का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे आधार इनरोलमेंट का भी काम मिल रहा है। मतलब ये दोनों काम जो है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक ही कंपनी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे स्वाति स्मार्ट टेक लिमिटेड है, तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इडमी डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड है, उसके बाद इंडिया कंप्यूटर टेक्नो है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंपनी है। अगर आप चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे जो भी कंपनी जुड़ी हुई है ये सब मतलब इंडिया गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, जो आप यहाँ पे देखेंगे यूआईडी से रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आधार परमानेंट इनरोलमेंट सर्विस। इसका मतलब है कि परमानेंट आपको आधार का काम मिलेगा। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको आधार सेवा केंद्र दे देती है या आधार की आईडी आपको दे देती है, लेकिन वो आधार की आईडी काम नहीं करती है, हमेशा काम नहीं करती है। मतलब कि आज आपको आईडी मिला, 10-15 दिन आपने उस पर काम किया और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपको सभी वर्क जो है वो फेल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन सभी कंपनियों से लेंगे तो बिल्कुल फ्री में आपको मिलती है, चार्ज आपको नहीं लगती है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे बैंक ऑफिस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे सेल्फ सर्विस आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी चेक का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑथराइजेशन एंड ईकेवाईसी का ऑप्शन मिल जाएगा जो आपने यहाँ पे देखा था। उसके बाद आधार सीडिंग, मतलब किसी भी बैंक के अकाउंट में आप अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एलिजिबल आपको देखने को मिलेगा बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन सर्विस और यहाँ पे आधार सेवा केंद्र सर्विस। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हमें चाहिए आधार सेवा केंद्र तो हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं उस कंपनी के बारे में। वैसे ही अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि नहीं हमें स्मार्टी स्मार्ट टेक लिमिटेड से चाहिए, मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि किसी एक ही कंपनी से आप ले सकते हैं, ऐसा किसी भी कंपनी से आप ले सकते हैं आधार सेवा केंद्र, और आपको मिलने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगी। क्योंकि ये कारण इसलिए है क्योंकि ये जो है ये यूआईडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है और आधार डैशबोर्ड पे आके यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बाय रजिस्टर का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी बहुत सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे कंपनियां के मिल जाएगी, जैसे कि सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस। जैसे कि आपको पता होगा कि सीएससी से भी आधार सेवा केंद्र खुलता है, तो सीएससी से आधार सेवा केंद्र जो खुलता है वहां पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं, तो जैसे कि आधार सेवा केंद्र में आप जो भी काम करते हैं तो उसमें अपडेट का काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो यूसीएल का काम मिलता है वो आपको यहाँ पे सीएससी आईडी में ही मिलता है, आधार का काम यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे यूनियन बैंक आपको देखने को मिल रहा है, रजिस्टर्ड जनरल इंडिया आपको देखने को मिल रहा है, और भी बहुत सारी कंपनी यहाँ पे भी है जो रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनरोलमेंट एजेंसी है, जिस एजेंसी से भी आप आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि अगर आपको आधार सेवा केंद्र लेनी है तो किस किस कंपनियों से आप आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं, और अपडेट का भी काम आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऐसी एक ही वर्क नहीं मिलती है, ऐसे बहुत सारे वर्क आपको मिलते हैं, जैसे कि आधार कार्ड नया बनाने का काम मिलता है, आधार कार्ड में अपडेट करने का काम मिलता है, और आपको कोई भी चार्ज नहीं लगती है, बिल्कुल फ्री में आधार सेवा केंद्र मिलता है। जैसे कि आप सीएससी आईडी से ही अगर आप आधार सेवा केंद्र लेते हैं, जैसे कि रजिस्टर वाले सेक्शन में हम जाते हैं, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे सीएससी से जो आधार सेवा केंद्र मिलती है उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है, आपको पता ही होगा। तो सीएससी से भी आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए यही बता था इस वीडियो में, वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।